हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस ड्रामे के पिछले पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बहुत से व्यूवर्स वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो हम उन सब से गुजारिश करते हैं कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा बोर ना करते हुए चलिए आगे की कहानी को एक्सप्लेन करते हैं। ग्रैंडपा लिन अपने घर पे होते हैं कि तभी अचानक से उनकी तबीयत खराब होती है। दूसरी तरफ क्लास में चैंग जी प्रेजेंटेशन दे रही होती है कि तभी फ्रेंड्स को मालूम होता है कि ग्रैंडपा लिन की तबीयत सही नहीं। ये सुनते ही सारे फ्रेंड्स भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचते हैं। ग्रैंडपा का ऑपरेशन जारी है। उनकी बेटी वहाँ पहुँच के रोने लगती है। डॉक्टर बाहर आके कहता है कि सॉरी, हम उन्हें नहीं बचा पाए। ये सुनकर हर एक के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ज़िंदगी ऐसे ही होती है, हम सोचते कुछ और हैं, होता कुछ और है। नफ़रत ख़त्म करके हमें लाइफ को इंजॉय करना चाहिए, ज़िंदगी रुकने का नाम नहीं। चाइना में 2008 के ओलंपिक्स होने वाले हैं। पांचों फ्रेंड्स की ख्वाहिश है कि वो ओपनिंग सेरेमनी को अटेंड करें क्योंकि काफ़ी सालों बाद ओलंपिक्स चाइना में हो रहा है। चैंग जी अपनी मॉम को मनाने की कोशिश करती है और उससे पैसे मांगती है, पर उसकी मॉम पैसे देने से साफ मना कर देती है। चैंग जी कहती है कि ओलंपिक्स हमारे कंट्री के लिए इम्पॉर्टेंट है। मॉम कहती है कि अच्छा, पैसे भी हमारे घर को चलाने के लिए इम्पॉर्टेंट है, अब भागो यहाँ से। इसी तरह जाओली अपने पेरेंट्स को मनाने की कोशिश करता है, पर उसके पेरेंट्स कहते हैं कि पहले ग्रेड्स इम्प्रूव करो फिर मौज मस्ती करना। एक शाम चैंग जी कहती है कि गरीबी मुझे ले डूबी। जाओली कहता है कि बुरे ग्रेड्स ने मुझे भी ले डूबा। सारे फ्रेंड्स जमा होते हैं। टैंग सॉन्ग कहता है कि ये कौन सी बड़ी बात है, पैसे कमाओ और जाके ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी को इंजॉय करो। क्लास में चैंग जी आके टैंग सॉन्ग से कहती है कि तुम जो सुबह सुबह बातें कर रहे थे पैसे कमाने का, ज़रा बताओ ना कैसे, और तुम्हारे पास कौन सा प्लान है जल्दी पैसे कमाने का, प्लीज़ मुझे बताओ। टैंग सॉन्ग कहता है कि ओके, फिर तुम्हें मेरी बात पे अमल करना होगा, घर जाके अपना सारा पुराना सामान पैक करो। रात को चैंग जी अपना कुछ सामान बॉक्स में डालती है। टैंग सॉन्ग को गड़बड़ लगती है, वो कहता है कि तुम्हारा एटीट्यूड बता रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। जब टैंग सॉन्ग बेड से ब्लैंकेट हटाता है तो देखता है कि असली माल तो यहाँ छुपा है। चैंग जी कहती है कि नहीं, इसे मत बेचो, ये मेरे बचपन की यादें हैं। टैंग सॉन्ग कहता है कि अच्छा, यादों की बारात को याद करती रहोगी या पैसे कमा के ओलंपिक्स देखने चलोगी, लड़की जल्दी से सब पैक करो। टैंग सॉन्ग एक एक करके सब सामान पैक करके उसका रूम बिल्कुल खाली कर देता है। नेक्स्ट डे क्लास में टैंग सॉन्ग स्टॉल लगाता है। चैंग जी उसकी अकाउंटेंट बनी हुई है। वो क्लासमेट से पुराने सामान बाय करके उन्हें महंगे दामों बेचना चाहता है। चैंग जी उसे कहती है कि इस कबाड़ का तुम करोगे क्या। टैंग सॉन्ग कहता है कि पगली देखती जाओ, कल रात 9 बजे के बाद हम 4 गुना ज़्यादा पैसे कमाएंगे। उसके बाद टैंग सॉन्ग और चैंग जी सारा सामान रोड साइड रख देते हैं। टैंग सॉन्ग कहता है कि बस थोड़ा सा इंतज़ार करो, वापसी में बहुत कमा के जाएंगे, ना रिंग किसी चीज़ के ऊपर गिरेगा ना कोई कुछ जीत पाएगा, हम पैसे कमा के सामान भी वापस ले जाएंगे, आ जाओ सभी रिंग टॉस गेम प्ले करो। टैंग सॉन्ग कई घंटे तक चिल्ला चिल्ला के लोगों से खेलने को कहता है पर कोई भी नहीं आता। चैंग जी कहती है कि और कितना टाइम लगेगा। टैंग सॉन्ग कहता है कि सब्र करो, उसका फल मीठा होता है, अभी बहुत टाइम है। दोनों बहस में लगे होते हैं कि तभी एक पर्सन आता है और कहता है कि लाओ मैं खेलूंगा गेम। ये सुन के टैंग सॉन्ग और चैंग जी खुश होते हैं, लेकिन वो पर्सन एक एक करके उनके सब चीज़ों को विन करता है और कहता है कि कल भी आना, तुम लोग बड़ा मज़ा आया। सब कुछ लुटा के चैंग जी उदास हो जाती है और वो टैंग सॉन्ग से कहती है कि सब कुछ तो गया, क्या हाथ आया। टैंग सॉन्ग कहता है कि मुझे क्या पता था वो मनु शूटर की औलाद था। चैंग जी को दुखी देख के टैंग सॉन्ग को आइडिया आता है। पास ही मौजूद एक पर्सन से वो गिटार लेता है और गाना बजाना शुरू करता है। थैंकफुली उसकी आवाज़ अच्छी होती है, सुनने वाले पैसे चैंग जी को देते हैं, वो भी खुश हो जाती है। उसके बाद एक शाम चैंग जी सब से कहती है कि लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप सब मिलिए चाइना के न्यू सुपरस्टार टैंग सॉन्ग से। ये सुन के टैंग सॉन्ग कहता है कि चैंग जी इधर आओ। वो कहती है कि जी हजूर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वो कहता है कि मेरा गला सूख गया है, मुझे गर्म पानी पिला दो।
रोशन नीचे। कुछ देर बाद टैंग सोंग कहता है कि चैंग जी सुनो, मेरे कमर में दर्द सा महसूस हो रहा है, मसाज करो। चैंग जी टैंग सोंग की हर हुक्म मानती है क्योंकि वो गाना गा के उसे पैसे जो कमा के दे रहा है। रात को दोनों जाके सड़क किनारे ऑडियो सेटअप लगाते हैं। टैंग सोंग फिर से अच्छा परफॉर्म करके बहुत से पैसे इकट्ठे कर लेता है। चैंग जी बेहद खुश है, वो उससे कहती है कि सुनो प्रिंस, अगर तुम ऐसे ही गाते रहे तो हम ओलंपिक्स के सारे मैचेस को भी देख पाएंगे। तभी वहीं पे पुलिस आती है। दोनों भागते हैं और एक जगह छुप जाते हैं। पुलिस के करीब आने पे टैंग सोंग चैंग जी को हग करता है। दोनों की धड़कनें तेज होती हैं, दोनों में प्यार की फीलिंग्स तो मौजूद हैं लेकिन दोनों एक दूसरे से कुछ कह नहीं पा रहे हैं। उसके बाद पांचों फ्रेंड्स को पता चलता है कि ओलंपिक्स के टिकट तो काफ़ी टाइम पहले ही बिक चुके हैं। यह मालूम होने के बाद सब उदास होते हैं। चैंग जी कहती है कि क्या फ़ायदा पैसे कमाने का। कुछ दिन के बाद सारे फ्रेंड्स आते हैं शॉपिंग मॉल। तभी सबकी नज़र पड़ती है एक स्टॉल पे। डिटेल जानने पे उन्हें पता चलता है कि ये लोग कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, जो फाइनल विन करेगा उन्हें ओलंपिक्स के टिकट्स मिलेंगे। उम्मीद अब भी बाकी है, फ्रेंड्स उस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेते हैं। पहले राउंड में क्विज गेम शो होना है। किस्मत से पांचों फ्रेंड्स ये राउंड विन करते हैं। सेकेंड राउंड में जो ज़्यादा खाएगा वो विन करेगा। ये सुन के सारे फ्रेंड्स मोटू जाओली को सेलेक्ट करते हैं और 3 दिन तक इस बेचारे का खाना पीना बंद कर देते हैं ताकि वो विन कर पाएं। ये राउंड भी सभी फ्रेंड विन कर जाते हैं। अब होना है फाइनल राउंड जिसमें सबको डांस करना होगा। ये पता लगने के बाद सब डिसाइड करते हैं कि वो फाइनल होने तक डांस प्रैक्टिस करेंगे। चैंग जी ना चाहते हुए भी टैंग सोंग को डांस सिखाती है। फाइनल राउंड में पांचों फ्रेंड्स नर्वस होने के बावजूद बेस्ट परफॉर्म करते हैं। इन सब की फ्रेंडशिप डीप है, सबको एक दूसरे की परवाह है, सबके सब लाइफ को इंजॉय करना जानते हैं और कर भी रहे हैं। बेस्ट परफॉर्मेंस देख के फ्रेंड्स को 100% यकीन होने लगता है कि उनका ओलंपिक्स देखने का सपना पूरा हो जाएगा। पर तभी कंपनी मैन चीटिंग करते हुए उन्हें रनर अप बना देता है क्योंकि 5 टिकट्स देने से उनका खर्चा बढ़ जाएगा। वो लोग रनर अप को 43-इंच का टीवी देते हैं ताकि ओपनिंग सेरेमनी को वो सब इसी में देख के इंजॉय करें। फाइनल ना जीतने पे सारे फ्रेंड्स बेहद उदास होते हैं पर अगले दिन सब के सब टीवी ऑन करके ओलंपिक्स की सेरेमनी को एंजॉय करते हैं, चेयर अप करते हैं। चैंग जी सो जाती है टैंग सोंग के शोल्डर पे। इस लम्हे को टैंग सोंग अपने मोबाइल में कैप्चर करता है। जब टैंग सोंग सो जाता है तो चैंग जी उठती है। उसे काफ़ी अलग फील होने लगता है। लाइफ में पहली बार उसके साथ ये सब हो रहा है। देखना होगा टैंग सोंग कब और कैसे चैंग जी के साथ अपनी रियल फीलिंग्स को शेयर करेगा। ये ड्रामा एंड होने के नज़दीक है। नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।